हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टिकटॉक और यूट्यूब का कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। अगर आप एक क्रिएटर है, आपको किसमें ज्यादा अपनी मेहनत दिखानी चाहिए, किसमें अपना आपको क्रिएटिंग दिखानी चाहिए जिससे आप बहुत जल्दी फेमस हो सकते हैं और बहुत ज्यादा आप उसमें पैसे भी कमा सकते हैं। अगर पैसे की बात करें तो भी हम कंपेरिजन करेंगे टिकटॉक और यूट्यूब की। मेहनत के बारे में भी देखेंगे कि टिकटॉक में ज्यादा मेहनत है या यूट्यूब पे ज्यादा मेहनत है, और आप ज्यादा से ज्यादा फेम किसमें पा सकते हैं, आपको क्या रिस्पेक्ट आपको दोनों में मिलती है या फिर नहीं मिलती है। मैं आपको पूरा कंपैरिजन करूंगा और बताऊंगा लास्ट में, जैसा कि अपना ओपिनियन हमेशा हर वीडियो में देता हूँ आया हूँ, इस वीडियो में भी अपना ओपिनियन दूंगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है अगर आप एक क्रिएटर हैं। तो देखिए, टिकटॉक अभी हाल ही में साल 2 साल के अंदर इंडिया में हुआ है, लॉन्च हुआ है, और इसके भारत में इतने ज्यादा चाहने वाले, बहुत ज्यादा इसके डाउनलोडर्स अभी हाल ही में हुए हैं। और YouTube, YouTube आज से नहीं है, YouTube यहाँ से बहुत समय से है इंडिया में, और YouTube पे भी बहुत से डाउनलोडर्स हैं, बहुत से लोग YouTube पे देखते हैं वीडियोस को। अब बात करते हैं, अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको क्या जॉइन करनी चाहिए, TikTok या YouTube को। तो देखिए, टिकटॉक पे जब आप कोई वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो 15 सेकंड की होती है। मान लीजिए जब वो अपने 15 सेकंड उस वीडियो में दे दिया, अब उसमें मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग किया, और मतलब सब करने के बाद में मुश्किल से आपको 5 मिनट लगते हैं उस टिकटॉक वीडियो को बनाने के लिए, और आप उसको अपलोड कर देते हैं। और उधर ही यूट्यूब की बात करते हैं, मेहनत की, यूट्यूब पे आपको कम से कम निम्न 5 से 10 मिनट की वीडियो बनानी पड़ती है, उसके बाद में आपको फुल टाइम एडिटिंग करना पड़ता है। उस वीडियो को अच्छा से एडिट करने के बाद में आप जब अपलोड करने जाते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह सब लिखना पड़ता है, आपको डालना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको एक अच्छी सी थंबनेल बनाकर आपको थंबनेल लगानी पड़ती है। तो मेहनत के हिसाब से यूट्यूब पर ज्यादा मेहनत है टिकटॉक के देखते हुए। टिकटॉक पे आपको बहुत से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो मुश्किल से 5 मिनट, उससे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर उसी तरफ यूट्यूब पे आपको दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे देने होते हैं अगर आप एज अ करियर देखते हैं। अब बात करते हैं कि पैसे किसमें जाता है, यहीं पे टिकटॉक पे देखते हैं। टिकटॉक पे कोई ऑफिशियल पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता है, वो आपके जो फैंस होते हैं अगर आपको कुछ इमोजीज गिफ्ट करते हैं तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप नहीं जानते टिकटॉक से पैसे कैसे कमाया जाता है, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इमोजीज होती है जिनको परचेस करके अगर आपके फैंस आपको उसको देते हैं तो आप उससे ही उसको विथड्रॉ करके पैसे कमा सकते हैं, और कोई उसमें ऑफिशियल पेमेंट का ऑप्शन अभी तक टिकटॉक ने लॉन्च नहीं किया है। पर यूट्यूब पे आपका ऑफिशियल ऑप्शन होता है, आप उस पर मेहनत कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो लाइए, और आपको जैसे ही एडसेंस आपको अप्रूव हो जाता है उसके बाद भी आपको हर मंथ आपके पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए मेहनत की हमने बात कर ली, पैसे की बात कर ली, मेहनत यूट्यूब पे ज्यादा है, और पैसे की भी अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे ही पैसा ज्यादा है, क्योंकि टिकटॉक पे आपको भले ही आप ऐसे कभी पैसे कमा सकते हैं, कोई मतलब आप इमोजी जैसे आपको कोई भी आपका फैन गिफ्ट करता है आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं, या फिर ट्रेंडिंग में आपकी कोई वीडियो चली जाती है तब भी टिकटॉक से आप पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं एज अ करियर किसको ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, टिकटॉक पे आप हमेशा क्या रहता है, आपको उसमें एक्टिंग का ही दिखाना रहता है, पर YouTube पे आपको अपना हुनर दिखाना रहता है, TikTok पे एक्टिंग दिखाना रहता है, YouTube पे हुनर। आप जब TikTok पे कोई वीडियो बनाते हैं, आप कैमरा ऑन करते हैं तो डायलॉग भी TikTok अपने उससे आप उसमें जो डायलॉग पड़े होते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिटिंग भी सब उसी से कर सकते हैं। बस करना क्या रहता है, कैमरे के सामने आपको एक्टिंग करनी रहती है, इम्प्रेशन अच्छे से अच्छे देने होते हैं। पर उधर ही यूट्यूब पे आपको कोई भी एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, कोई भी इम्प्रेशन नहीं करना पड़ता, आपको किसी भी उसमें एक्टिंग का इम्प्रेशन देने ही नहीं पड़ता, बस आपको उसमें अपना हुनर दिखाना पड़ता है। आपके अंदर क्या चीज है, आप सिंगिंग में अच्छे तो सिंगिंग दिखाइए, आप नॉलेज में अच्छे तो अपनी नॉलेज दीजिए, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता सकते हैं। तो अगर देखिए, जब आप फुल टाइम करियर कहीं पकड़ते हैं तो आपको उसमें पैसे की भी आवश्यकता होती है, आप कोई करियर है आपका, आप जब तक उसमें थोड़ा बहुत आपको पैसा नहीं मिलेगा आप उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यूट्यूब पे आपको ऑफिशियल एक तरीका होता है जिससे आपको पैसे भी मिलते हैं, पर यूट्यूब का आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती। अब मैं बात करता हूँ अपना ओपिनियन, अगर आप एक करियर के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हैं किसी एक प्लेटफॉर्म को, चाहे टिकटॉक हो चाहे यूट्यूब हो, तो आप यूट्यूब को कीजिए, क्योंकि
क्योंकि YouTube पे आप अगर फेमस हो जाते हैं तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो कहीं और प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि TikTok TikTok पे आप अपनी एक्टिंग दिखाते हैं, पर YouTube पे आप कुछ नॉलेज शेयर करते हैं, और वो नॉलेज किसी की लाइफ में काम आ जाती है तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप जो नॉलेज दे रहे हो किसी के काम आ जाती है तो वो बंदा आपके उस पर रिस्पेक्ट करने लगता है, वो सोचता है कि ये आपको कुछ अच्छा बता रहा है, ना कि टिकटॉक पे। उस पर अगर आप फेमस भी हो जाते हैं, आपके फैन फॉलोअर्स बढ़ भी जाते हैं, फिर भी आपको वो एक दूसरे नजरिए से देखेंगे, वो रिस्पेक्ट अंदर से आपको नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टिकटॉक या फिर ये म्यूजिकली वगैरह जो प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एक्टिंग करके 15 सेकंड की वीडियो बनानी होती है वो खराब प्लेटफॉर्म है, नहीं। ये एक तरीके से आप फन और एंजॉयमेंट की तरीके ज्वाइन कर सकते हैं, पर करियर के तरीके नहीं ज्वाइन किया जा सकता। करियर अगर आपको बनाना है, कहीं पे आपका अपना हुनर दिखाना है, तो वो आप यूट्यूब पे ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थोड़ा सा कंपैरिजन था जो हम बात करने वाले थे इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और लोग ये सोचते हैं कि मैं किस पे जाऊँ, किस पे अपना हुनर दिखाऊँ जिससे मैं जल्दी जल्दी फेमस हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो देखिए एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे आप एक फन के तौर पर एंजॉयमेंट के तौर पर अपनी वीडियो बना सकते हैं, पर YouTube कोई फन नहीं है। अगर आप उस पे आए तो आपको अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी, अपना हुनर दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे फेमस हो सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जो आपको सॉल्व ना हो पाया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा आपको संशय हो मन में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई हर वक्त 24 आवर्स में आपको देता रहता हूँ, आपको उसका रिप्लाई भी मैं आंसर दे दूंगा। और भी कोई आपको सलाह हो सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी आप जीमेल पर जाकर वहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो बताई गई बात अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।